हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स लर्न टू स्माइल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने में बहुत देर हो गई मुझे, बिकॉज काफी टाइम से मैं बहुत बिजी चल रही थी। आई थिंक ऑलमोस्ट फरवरी के एंड से लेकर पूरा मार्च, एंड ये अब तो अप्रैल भी खत्म होने को हुआ है, तो बहुत बिजी हो गई थी मैं। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोज वगैरह शूट करने का, बट फाइनली आई एम बैक। एंड अब मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी रेगुलरली। ओके, तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है? अबाउट हेयर केयर। एज यू नो कि मैं आपके लिए रेगुलरली हेयर केयर वीडियोस लाती रहती हूँ, और बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। लोग कमेंट करके बताते हैं उनको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन वीडियोस से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप भी मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप भी मेरे वीडियोस से बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकें। मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोज, एंड मैं आगे भी ये कोशिश करती रहूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आऊँ, जिससे कि आप सभी लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकें। ओके, हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है ना गाइज, जो आजकल सभी को होता है। किसी भी उम्र के लोगों को हेयर फॉल होता ही है, चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों, चाहे वो अडल्ट हों, अबव 30s हो, अबव 40s हो एंड अबव 50s हो, हर एज ग्रुप के लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही है। एंड हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? कभी कोई ऑयल लगाते हैं, कभी कोई शैम्पू लगाते हैं, एंड बस हम सोचते हैं कि यार शैम्पू भी चेंज कर दिया, ऑयल भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी हेयर फॉल रुक क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए कि आप जो मार्केट बेस्ड शैम्पू एंड ऑयल लगाते हैं ना, उनमें कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते आपके बालों के लिए, जो वो आपके बालों पर वर्क करेंगे। तो क्या वर्क करेगा? जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ओके, क्या वर्क करेगा? वो है रोजमेरी। रोजमेरी का नाम आपने सुना होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर सबने सुना होगा, देखा भी होगा कुछ लोगों ने, एंड कुछ लोग यूज भी करते होंगे आई एम श्योर, और उनको उसके बेनिफिट्स भी मिले होंगे। तो जो लोग यूज नहीं करते हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रोजमेरी यूज कीजिए अपने बालों के लिए, और इसके बेनिफिट्स देखिए फिर क्या होते हैं। ट्रस्ट भी, अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपके बालों की है ना हालत ही सुधर जाएगी। एक तो सबसे पहले तो आपके बालों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है। दूसरा, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। तो ये तो हो गई बात क्या लगाना है आपको अपने बालों में, तो वो हो गया रोजमेरी। अब बात कर लेते हैं कि बाहर से तो आप लगा रहे हैं, टॉपिकल लगा रहे हैं, अंदर से आपको क्या करना है? अंदर से आपको बैलेंस डाइट भी लेनी है। ये दोनों ही चीजें जब मिलेंगी ना, तभी आपके बालों का हेयर फॉल रुकेगा, नए बालों की ग्रोथ स्टार्ट होगी, आपकी हेल्दी स्कैल्प रहेगी। ओके, तो आपको एक बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी खाइए, सीड्स खाइए, नट्स खाइए, एंड यू नो अब तो समर्स भी आ गई हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, लेमोनेड्स पीजिए, जूसेस पीजिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, आमंड्स, वॉलनट्स, आई मीन सीड्स जो भी होते हैं, नट्स होते हैं, वो सब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, तभी जाकर आपके बालों का जो है ना वो हेयर फॉल स्टॉप होगा। बेसिकली मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये रोजमेरी का टोनर, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है, और आपके बालों के लिए इसके गजब के फायदे हैं गाइस, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है आपके स्कैल्प को, आपके बालों को। दो या तीन बार ही इसके इस्तेमाल से आपके बालों का हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, आपके बालों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल हेल्दी बनेंगे, शाइनी बनेंगे। एंड मैं बता रही हूँ ना, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग बहुत बिजी होते हैं ना, ऑफिस भी जाते हैं, घर भी देखते हैं, स्पेशली बिजी मॉम्स की मैं बात करूँ तो उनको तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। एंड अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ना, तो जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है उसी दिन आप थोड़ी देर पहले बनाकर इसको लगा लीजिए। तो अब इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पर ये रोजमेरी लीव्स है मेरे पास, ड्राइड लीव्स, जो मुझे इजीली ही नियर बाय ग्रोसरी शॉप में मिल गई थी, और आपको भी इजीली मिल जाएंगी। अगर नहीं मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, एंड फ्रेश अगर आपको मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो बोलूंगी कि एक प्लांट ही लाकर लगा लीजिए आप अपने घर में। मेरे पास तो नहीं है वैसे, पर मैं भी सोच रही हूँ प्लांट ही लगा लेती हूँ। तो फिलहाल तो अभी ड्राइड लीव से ही काम चला लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ड्राइड लीव ले रही हूँ, इन्हीं से मैं अपना टोनर बनाऊंगी। कैसे, चलिए वीडियो में। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, गैस पर रख लिया है, और इसमें मैं डालूंगी एक ग्लास के करीब पानी।
पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स एंड इसको मैं गैस ऑन कर दूंगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा, ये बॉईल होता रहेगा, इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक कि हमारा वाटर जो है वो 3/4 ना रह जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। एंड नाउ देखिए, अब हमारा ये वाटर जो है इवेपोरेट हो चुका है मोस्टली और हमारे पास ये ऑलमोस्ट 3/4 क्वांटिटी बच गई है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है रोजमेरी का, जिसकी गुडनेस बहुत ज्यादा है। मैं जितने भी इसके गुण बताऊं ना वो इतने कम है। तो अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे और एक छोटी सी एप्लीकेटर बॉटल में या फिर एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे लगाना इजी हो जाए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर स्प्रे बॉटल में डाल लिया है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ये एल्प गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। ये बहुत ही प्योर फॉर्मूला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का एंड ये एसेंशियल ऑयल भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आप खाली ये भी यूज करेंगे ना, अगर आप कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं, खाली आप इसको भी यूज कर लीजिए, ये भी काफी है आपके बालों को सेंटर में लाने के लिए, आपके बालों की हालत को सुधारने के लिए। तो ये बहुत ही प्योर फॉर्मूला है। वैसे तो बहुत सारे मार्केट में आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाएंगे, पर मैं यहाँ पर स्पेशली एल्प गुडनेस का यूज कर रही हूँ, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। एंड आप इसको डेफिनेटली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 to 8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की इसमें ऐड कर दूंगी। एंड देखिए, अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है रोजमेरी टोनर फॉर हेयर। ओके, तो चलिए अब इसको लगाते हैं। इसको बस अपने बालों को सेक्शन सेक्शन करके अपने बालों में आपको स्प्रे करते रहना है। आपको पूरी स्कैल्प में स्प्रे करना है इसको। यू नो गाइज, एक स्टडीज में देखा गया है कि रोजमेरी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्कैल्प में नर्व ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। एंड इससे क्या होता है, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है एंड हेयर फॉल स्टॉप के साथ साथ आपके बालों की न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। अनदर थिंग, इसके अंदर होता है कार्नोसिक एसिड, जो आपकी स्कैल्प की नर्व्स अगर डैमेज हो गई है ना, तो उनको हील करता है एंड साथ ही साथ उनको रिजुविनेट करता है। एंड इसके साथ साथ रोजमेरी आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ को भी क्योर करता है। आपकी स्कैल्प में अगर किसी भी तरह की ईचिंग है ना, उसको भी स्टॉप करता है। एंड साथ ही साथ आपके बालों में अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग होना स्टार्ट हो गया है ना, तो उसको भी स्लो करता है। तो इस तरह से आपको ये रोजमेरी टोनर अपने बालों में लगा लेना है और लगाकर आपको एक बन बना लेना है और इसको आधे से 1 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। आधे से 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। देखिए, रोजमेरी को यूज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं फिर किसी वीडियोज में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप किसी भी करियर ऑयल में ऐड करके लगा सकते हैं। जैसे आपने कोकोनट ऑयल ले लिया, आमंड ऑयल ले लिया, तो उसमें 7-8 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये स्टोनर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, खाली रोजमेरी के ही इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप सर्च कीजिए, मैं बोल रही हूँ आप स्टडीज कीजिए, आप गूगल में जाइए, आप वीडियो देखिए, आपको इतने सारे बेनिफिट्स पता चलेंगे रोजमेरी के कि आपको फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बताऊं, कभी कभी ये मास्क लगाना, वो मास्क लगाना, इतना सारा टाइम किसी के पास नहीं होता है जो खाली अपने बालों में इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करे। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं होता है। तो कभी कभी मैं बहुत ही छोटी छोटी चीजें करती हूँ अपने बालों के लिए, जिससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। सो गाइज, ये था मेरा आज का हेयर केयर वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। एंड नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्माइल, बिकॉज स्माइल इज अ फ्री थेरेपी। ओके, सो बाय बाय।